सब्सक्राइब करें, मेरा चैनल बेल आइकन पे भी क्लिक करें, जिसके बाद आप देख सकेंगे मेरे सारे वीडियोस तुरंत। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं हेयर से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग रिव्यू और टेस्ट। जैसे कि हमने वीडियो के टाइटल में देखा, आज मैं करने वाला हूँ हेवेल्स ब्रांड की तरफ से आने वाले एक हेयर ड्रायर की अनबॉक्सिंग रिव्यू और टेस्ट। यहाँ पे मैं बॉक्स अगर आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके के बॉक्स में आता है, काफी अच्छे से बॉक्स में पैक होके आता है ये प्रोडक्ट। दोस्तों इस वीडियो में हम इस करेंगे अनबॉक्सिंग, उसके बाद देखेंगे प्रोडक्ट की क्वालिटी वगैरह कैसी है, इसे मैं टेस्ट करके भी आपको दिखाऊंगा। उसके साथ साथ वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये हेयर ड्रायर आपको खरीदना चाहिए या नहीं। तो वीडियो को देखते रहें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। दोस्तों ऐसे ही कमाल के वीडियोस के लिए मेरे चैनल पर विजिट करें, मेरे वीडियोस को चेक करें। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, उनसे आपकी हेल्प होती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं मेरे साथ। चलिए फटाफट करते हैं इसे अनबॉक्स और सारा कुछ आपको दिखा देता हूं। सो लेट्स गो एंड अनबॉक्स इट। तो दोस्तों कुछ इस तरीके के पैकेजिंग में पैक करके भेजा गया है प्रोडक्ट। कर लेते हैं इसे ओपन, उठाता हूं अपनी नाइफ और कर देते हैं इसे कट। और यहाँ पे जैसा कि मैं देख रहा हूँ, अंदर बॉक्स के कोई भी सेफ्टी के लिए बबल रैप वगैरह नहीं लगाया गया है प्रोडक्ट की सेफ्टी के लिए। तो पैकेजिंग काफ़ी पुअर की गई है अमेज़न की तरफ से। ये देखिए अंदर कुछ नहीं है, थम्स डाउन। यहाँ पे एक रिसिप्ट मिलती है, रखते हैं साइड। तो ये है मेन बॉक्स, देख सकते हैं यहाँ पे हेवेल्स का लोगो, एक मॉडल की इमेज और 1800 वाट पावरफुल हेयर ड्रायर। यहाँ पे मॉडल नेम हमारा है HD3225 और एक 3D इमेज इस हेयर ड्रायर का, होम सर्विस विद इन 24 आवर, जो कि हेवेल्स की तरफ से है। पीछे की साइड यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन, जिनमें से यहाँ पे MRP के साथ साथ हेयर स्टाइल के लिए कूल हेयर फ्लो का भी एक इमेज यहाँ पे दिखाया गया है। बॉक्स के पीछे कई सारे और डिटेल्स। दोस्तों ये प्रोडक्ट 2 साल की वारंटी के साथ आता है, जो कि काफी अच्छी बात है। 2 साल की वारंटी, 1800 वाट का ये हेयर ड्रायर हमारा है और कॉर्ड की लंबाई यहाँ पे 1.8 मीटर की हमें मिलती है। यहाँ पे कुछ और मेन फीचर्स इमेजेस के साथ। इस हेयर ड्रायर में कुछ यूनिक फीचर हैं, जिनमें से इसका जो फैन लगा है, अंदर जो फैन हमें लगा हुआ मिलता है हेयर ड्रायर में, उसमें 6 पंखे लगे हुए हैं, जिसके जरिए ये काफी तेजी से हवा देता है पीछे से एग्जॉस्ट करके, तो ये चीज काफी अच्छी है। ओके, दूसरा हमारा आयोनिक केयर। दोस्तों इसके फीचर्स में एक मेन हाईलाइट ये भी है कि इसमें आयोनिक केयर का भी सिस्टम दिया गया है, जिसके जरिए आपका बाल डैमेज नहीं होगा इसको यूज करते टाइम, तो ये भी काफी अच्छी बात इस हेयर ड्रायर में हमें मिल जाती है। और इसके जरिए हमारे बाल रहेंगे स्मूदर, हेल्दियर। 3 हीट सेटिंग्स, वार्म, हॉट एंड कोल्ड एयर फ्लो, हाई क्वालिटी आयरन सीट, फोल्डेबल हैंडल, हीट बैलेंसिंग टेक्नोलॉजी। साथ ही साथ इसमें हीटिंग बैलेंस सिस्टम भी लगाया गया है, जिसके जरिए आपका हेयर ड्रायर ओवरहीट नहीं होगा और ये अच्छे से काम करेगा। यहाँ पे भी एक 3D इमेज मेन हेयर ड्रायर का। ओके, तो अभी बॉक्स का ओवरव्यू हो गया है, कर लेते हैं इसके सील को कट और फटाफट कर लेते हैं ओपन। तो बॉक्स हो गया ओपन, अंदर देख सकते हैं प्लास्टिक के अंदर हमारा हेयर ड्रायर रख के मिला है हमें। निकाल लेते हैं बाहर और अंदर के साइड हमें एक यूजर मैनुअल मिलता है, इसके अलावा बॉक्स में कुछ नहीं है। ये देखिए हमारा यूजर मैनुअल कुछ पेज का ऊपर, यहाँ पे 2 कलर में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है उसको दिया गया है। यहाँ पे अगर प्रोडक्ट के बारे में सारी की सारी इन्फो आपको चाहिए तो यूजर मैनुअल को ज़रूर से पढ़ें। यूजर मैनुअल में हमारा वारंटी कार्ड भी है। तो अभी देख लेते हैं हमारा हेयर ड्रायर, इस पैकेट से इसे निकाल लेते हैं बाहर। ऊपर से काफ़ी कमाल का लग रहा है एंड वो ये देखिए कितना गजब का लग रहा है इसका कलर। आप देखिए ऊपर वाला हिस्सा इसका कितना अच्छा लग रहा है पिंक कलर में। फर्स्ट इंप्रेशन की बात करें तो मैं इसे डायरेक्ट दूंगा थम्स अप। दोस्तों जैसा कि मैंने देखा और शायद आपने देखा होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट में काफी अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक यूज की गई है। यहाँ पे प्लास्टिक क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है और डिजाइन तो अच्छी है ही है। देख लेते हैं वायर भी काफी बड़ा यहाँ पे 1.8 मीटर का मिलता है। इसे कुछ इस तरीके से बंद करके रखा गया है अच्छे तरीके से। कर लेते हैं ओपन। ये देखिए वायर काफी स्ट्रांग है और चिपटे वाले स्टाइल का है। वायर की लेंथ भी काफी है और वायर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसे मिलेगा थम्स अप। और ये देखिए प्लग कितना स्ट्रांग बनाया गया है, ये लंबा चलेगा सालों साल, देख के ही लगता है। यहाँ पे कुछ सेफ्टी के लिए स्टिकर लगाया गया है और इसकी लंबाई जैसा कि 1.8 मीटर थी वो मुझे दिख रहा है। ओके गुड। दोस्तों मैंने बहुत सारे हेयर ड्रायर देखे, ऑनलाइन चेक किया अलग अलग वेबसाइट पे और मुझे ये डिजाइन पसंद आई, क्योंकि इसकी डिजाइन काफी यूनिक है बाकी हेयर ड्रायर से। दोस्तों ये प्रोडक्ट काफी महंगा होता है, पर अभी सेल में इसका प्राइस काफी लो गया था तो मैंने इसे खरीद लिया। डिजाइन के लिए तो इसे थम्स अप, डबल डबल थम्स अप मिलेगा। और आप मुझे वीडियो के कमेंट में बताएं आपको ये डिजाइन कैसी लगी। यहाँ पे देखिए इसके फोल्डेबल हैंडल की डिजाइन इसे कितना पोर्टेबल और छोटा सा बना देती है, कैरी करने में होगी आसानी। यहाँ पे प्लास्टिक क्वालिटी देख सकते कितना अच्छा है शाइनी और यहाँ पे हेवेल्स का लोगो। दोस्तों खासकर हेवेल्स ब्रांड के सारे प्रोडक्ट की डिजाइन काफी अच्छी होती है, मैंने कई सारे हेवेल्स ब्रांड के प्रोडक्ट यूज किए हैं। और दोस्तों अगर आप भी हेवेल्स ब्रांड हेयर ड्रायर यूज करते हैं तो ज्यादातर हेयर ड्रायर्स
फोल्डेबल डिजाइन के साथ आते हैं। तो ये वाला हेयर ड्रायर भी फोल्डेबल डिजाइन के साथ आता है, जिसके जरिए हम इसे फोल्ड करके आसानी से कर सकते हैं कैरी। कुछ इस तरीके से इसकी हैंडल ओपन होती है और इसकी ग्रिप भी काफी अच्छी है, हाथ में अच्छे से ये पकड़ में आता है। देख सकते हैं इसकी डिजाइन कितनी अच्छी है और पिंक व्हाइट कलर में ये कितना अच्छा लगता है। इसके नोजल भी कितने अच्छे ऑरेंज कलर के लगते हैं, पर ये है पिंक कलर का और फोल्डेबल डिजाइन इसे बना देता है और भी यूनिक इसे कैरी करने के लिए। और जैसे हम इसके हैंडल को ओपन करते हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे लॉक हो जाता है, बिल्कुल मूव नहीं करता। पीछे के साइड हमें एक जाली सी मिलती है जहाँ से हवा अंदर की तरफ जाती है और पंखा उसे खींच के करता है बाहर तेजी से, सारे हेयर ड्रायर की तरह। और इसकी ग्रिल की क्वालिटी भी काफी अच्छी है। यहाँ हैंडल में हमें एक साइडर टाइप की बटन मिलती है जिसके जरिए हम इसे कर सकते हैं ऑन एंड ऑफ और साथ ही साथ मूड को कर सकते हैं चेंज। दोस्तों इस हेयर ड्रायर में हमें तीन मोड्स मिलते हैं, जिनमें से है पहला कोल्ड, दूसरा वार्म और तीसरा हमें मिल जाता है हॉट का, जो कि पूरा का पूरा 1800 वाट का बिजली लेता है, पर उतने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। नॉर्मली हम मीडियम पे सेट करके हेयर ड्रायर को यूज करते हैं, वो हमारे हेयर के लिए परफेक्ट रहेगा। ज्यादा हीटिंग पे यूज करने से बाल या फिर हमारी स्किन डैमेज हो सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा हीटिंग हो जाएगी 1800 वाट पे। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि मीडियम पे ही हेयर ड्रायर को यूज करें। और अगर हेयर ड्रायर के जरिए आपको अपने हेयर को स्टाइल देना है, एक लुक देना है, तो हमेशा कोल्ड वाला ऑप्शन यूज करें। यहाँ पे तीनों ऑप्शन में मिलते हैं, काफी अच्छा है। ये देखिए यहाँ पे हॉट, वार्म एंड कोल्ड का ऑप्शन है और जीरो पे ये हो जाता है ऑफ। इधर कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट से रिलेटेड। यहाँ नीचे के साइड हमें एक हुक भी मिलता है जिसके जरिए आप इसे कहीं भी हैंग कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छा है। और दोस्तों ये बना है रबर का, काफी स्ट्रॉन्ग शाइनी रबर मटेरियल का। यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन भी काफी अच्छा दिया गया है, व्हाइट के साथ पिंक का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा लगता है। ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पे जो पिंक कलर का है वो लगता है ग्लास का, पर ये है प्लास्टिक का, काफी अच्छा है। और आगे का नोजल भी यहाँ पे लगता है ऑरेंज कलर का, पर ये है पिंक कलर का। अंदर आप ग्रिल देख सकते हैं जहाँ से हमारा सारा का सारा सिस्टम लगा है। यहाँ पे हीटिंग एलिमेंट भी देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। और सेफ्टी के लिए आगे एक ग्रिल भी है। यहाँ पे नोजल आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से बड़े आसानी से, और इसे यूज कर सकते हैं इस तरीके से, पर कोई जरूरत नहीं है नोजल में, ये ज़्यादा सेफ और सही है। एयर फ्लो की बात करें तो दोस्तों काफी तेज एयर ये देता है, जैसे कि इसके अंदर जो फैन लगा है वो 6 पंखे के साथ आता है, तो एयर फ्लो काफी अच्छा है। आगे आप वीडियो में देखिए। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसे कर दिया है पावर ऑन। दोस्तों यहाँ पे एयर फ्लो बहुत पावरफुल है, मैं आगे आपको कई सारे एग्जांपल दिखाने वाला हूँ। ये देखिए फर्श पे चिपक सा गया है और ये गया। यहाँ पे टेस्ट के लिए मैंने ये अमेजोन की एक पैकिंग मटेरियल लेके आया हूँ। देख सकते हैं ये काफ़ी हैवी है और इसे भी ये हेयर ड्रायर बड़े आसानी से उड़ा दे रहा है। तो एयर फ्लो काफ़ी पावरफुल। यहाँ पे देखिए मेरे बिस्तर के नीचे चटाई लगी हुई है, वो भी मूव हो रही है एयर, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ यहाँ पे हमें मिलता है। वाह, यहाँ पे मैं इसे अभी कोल्ड वाले मूड पे सेट करके यूज कर रहा हूँ। और दोस्तों आपको बता दूँ, यहाँ पे तीनों के तीनों मूड जो हमें मिलते हैं उसके एयर फ्लो की स्पीड हमेशा सेम ही रहेगी तीनों मूड पे। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या ये प्रोडक्ट आपको खरीदना चाहिए या नहीं। दोस्तों अगर आपका बजट 1000 से 1200-1500 रुपए के बीच है और आप चाहते हैं एक प्रोफेशनल हेयर ड्रायर को लेना जिसमें तीन मूड हो, कोल्ड, वार्म और हॉट के, और साथ ही साथ बिल्ड क्वालिटी के साथ साथ डिजाइन भी अच्छी हो, तो दोस्तों ये हेयर ड्रायर आपके लिए बना है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें 2 साल की वारंटी मिलती है और हेवल्स की सर्विस काफी अच्छी है इंडिया में, तो हेवल्स एक अच्छा ब्रांड यहाँ पे हमें मिलता है। दोस्तों इसकी जो मेन इंप्रेसिव चीज मुझे लगी है, मैंने इसे इसलिए खरीदा था क्योंकि इसकी डिजाइन बहुत यूनिक थी, बाकी बहुत सारे हेयर ड्रायर्स मैंने चेक किए उनसे यूनिक था, इसलिए मैंने इसे चूज किया। तो एक अच्छे डिजाइन, मॉडर्न डिजाइन का हेयर ड्रायर आपको चाहिए तो आप इसे ले सकते हैं। खासकर पिंक कलर में है तो लड़कियों को बड़ा पसंद आता है ये कलर, तो उनके लिए भी ये काफी अच्छी चॉइस होने वाली है।
पर मैंने इसे पिंक कलर के कारण नहीं लिया, मैंने इसे लिया है डिजाइन के कारण। इसकी डिजाइन बाकी हेयर ड्रायर से बहुत अच्छी है। दोस्तों इस हेयर ड्रायर में मुझे एक जो चीज की कमी लगी वो ये है कि यहाँ पे हमें एयर फ्लो का ऑप्शन जो हमें घटाने बढ़ाने का होता है वो इसमें नहीं दिया गया है। एयर फ्लो की स्पीड उतनी ही रहेगी तीनों मोड पे, तो ये चीज इसमें थोड़ा सा मुझे कम लगा। अगर यहाँ पे एयर फ्लो की भी स्पीड हमें कंट्रोल करने का ऑप्शन मिलता तो और भी अच्छा था, पर जितना है वो भी सही है। प्राइस की बात करें दोस्तों तो सेल के टाइम पे इसकी प्राइस 1000 रुपए कुछ दिन पहले गई थी, तभी मैंने इसे खरीदा था। और आप भी चेक कर सकते हैं प्राइस, मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक वहां पे दे दूंगा, आप वहां से जाकर उसे चेक कर सकते हैं या फिर खरीद सकते हैं। जब प्राइस घटे तब आप इसे खरीद सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, शायद आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक करके बताएं, और हाँ दोस्तों वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप कौन सा हेयर ड्रायर यूज करते हैं, और अगर आप इस हेयर ड्रायर को खरीदना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन है इसके बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ दोस्तों ऐसे ही कमाल के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, क्योंकि मैं यहाँ पे एक से एक कमाल के हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों बस यही था सारा कुछ इस वीडियो में, चलता हूँ, मिलूंगा किसी दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आपको रखना अपना ख्याल, सी यू अगेन, बाय बाय।